खुर्सा गौतम बुद्ध नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद कुमार की एक विशाल जनसभा खुर्सा फुलवारी मैरिज होम में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा में कहा कि खुर्सा क्षेत्र की जनता मिट्टी से बर्तन बनाती है, अब की बार यहाँ के मतदाता बर्तन की जगह अपने वोट से कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी और मोदी के ढोंगियों की सरकार है, ये सरकार धोखेबाज है, धोखेबाजों से बचे और अच्छे नए प्रत्याशियों को चुने। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो हमारे क्षेत्र के लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो उनके लिए होना चाहिए, ताकि जो भी हमारे युवा हैं उनको कहीं गौतम नगर से बाहर न जाना पड़े। दूसरा हमारा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों की जो सही लागत उनको मिलनी चाहिए, स्वामीनाथन कमीशन ने जो MSP रेकमेंड की है, C2+50%, मतलब जो उनकी लागत है उसे 50% सरकार दे, वो हम कराएंगे। प्लस जो मुआवजे का बहुत बड़ा एक तरीके से मुद्दा है, पूरे क्षेत्र में सब जगह संघर्ष कर रहे हैं किसान, हमने आज भी मन से कहा कि 3 महीने के अंदर हम 4 गुना मुआवजा हम किसानों को देने जा रहे हैं, ये हमारा फैसला है। तीसरा मुद्दा है खुर्जा का ही NRC कॉलेज का मामला है, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, NRC कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का हम काम करेंगे, हमें मौका मिलेगा NRC कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाएंगे। उसके बाद नोएडा में फ्लैट बायर्स की समस्या है, उसका रेजोल्यूशन है। उसके बाद आपका महिला सुरक्षा का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है, स्कूलों की जो फीस बढ़ती जा रही है उसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका भी निस्तारण करेंगे। गरीबों की सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में जिस तरीके से राहुल जी ने बोला है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सही बात है, ये जो नोटबंदी की गई उसके बाद जो माहौल बना, क्योंकि 80-85% पैसे अगर आप देश के वापस ले लेंगे तो छोटे जो किसान थे, छोटे जो उद्योगपति थे, सबके ताले लग गए, सबके उद्योग बंद हो गए। और उसके बाद आपने जो बड़े लोग थे देश के, 15 जो बड़े अमीर लोग थे, आपने उनका 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। तो किसान तो दोनों, गरीब जो है वो दोनों तरह से पिसा है। 72,000 गरीबों को देने की क्या योजना रखी गई है? देखिए, 72,000 रुपए जो महीने जाएंगे और 72,000 रुपए साल जो जाएंगे, वो जो घर की महिलाएं उनके घर पे जाएंगे, क्योंकि 30% आबादी जो देश की है वो बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ी हुई है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। हम किस प्रकार से उसे प्रोवाइड कराएंगे, उसका तरीका ये है कि टैक्सेशन बेस हमारा जो है वो लगभग 2.5 से 3% है, जो लोग टैक्स भरते हैं, हम इनकम टैक्स थोड़ा कम करके टैक्स बेस को बढ़ाएंगे 8-10% तक। उसके बाद जो एक तरीके से आप जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग बहुत होता है, मतलब पिछले 5 सालों में 200 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा आया, तो उसको ख़त्म करेंगे और अलग से किसानों के लिए बजट बनाएंगे, और ज़रूरत पड़ी बैंकों से लेने के लिए सरकार को, तो हम वो लेकर गरीबों को देंगे। थैंक यू। अरविंद भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि योगी और मोदी ढोंगी की सरकार है। उत्तर प्रदेश का खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए एशिया में विख्यात है। यहाँ लोग मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, लेकिन अब समय है कि अपने वोट से कांग्रेस की सरकार बनाएं। कैमरामैन हानू सेफी के साथ रिजवान अंसारी, CMN न्यूज़, बुलंदशहर।